नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जवाब देने का प्लान बना लिया है। इसी का कड़ी में कहा जा रहा था कि ललन सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है और उनके हाथ में पार्टी की कमान सौंपी है। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही थी, अब इस पर एक और बात सामने आ गई है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली से लौटते ही आज सुबह जो बातें कही और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की पूरी क्षमता है, पीएम मटेरियल है, इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चा छिड़ गई है कि क्या नीतीश कुमार अब अगली तैयारी कर रहे हैं, क्या 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आज शाम को नीतीश कुमार भी पटना लौट करके आए। इससे पहले दिल्ली में क्या कुछ हुआ हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था। हमने आपको बताया कि दिल्ली से वो हरियाणा के जो ओम प्रकाश चौटाला हैं उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें हुई ये तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इतना तय है कि जब पीएम मटेरियल वाली बात पे नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पटना आते ही सवाल दागा तो नीतीश कुमार ने क्या कहा और किस तरह से वो मुस्कुराए आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या होना है ये तस्वीर आपको बताएगी और इस वीडियो में सुनिए क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने। और आने वाले समय में हमारे नेता पीएम मटेरियल है। अरे वो चलिए ना, वो अलग चीज है, वो बोल रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल है। इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सब एकजुट थे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बहुत पूरे तौर पर अपना जो वक्तव्य भाषण दिया वहाँ और पूरा समर्थन किया है एकजुट होकर के। और सब लोग कल तो जब हो गया था उसके बाद सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे, जानते ही है पुराना रिश्ता है हम लोगों का, जब अब बाहर आ चुके हैं तो उनके बारे में मालूम हुआ तो बातचीत हुई और आज उनसे हम मिलने गए उनको बधाई देने के लिए। और पहले तो आप जानते ही हम लोगों का बराबर मुलाकात होना ये सब चीज रहता था, तो जो उनका घर है वहीं पर जाकर के आज उनसे मुलाकात। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।